चीजें दिखाई देती हैं, उन साधारण दृश्यों में असाधारण देख लेना नंदिता जी की कविताओं से मिलता है। अगली आगे का पाठ के लिए मंजूषा बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप बड़ौदा बाजार से आई हैं और आपकी विभिन्न कविताएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। मंजूषा बहन के लिए तालियों से एक बार अभिनंदन। वाह एक और छोटी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत है कि उन्हें अपने परिवार के लिए गाय की तलाश है। उन्हें अपने परिवार के लिए गाय की तलाश है। गाय कुछ न बोले, गाय कुछ न बोले, गाय मुंह न बोले, गाय जो कुछ न बोले, गाय जो मुंह न बोले, एक खूंटे से बंधी है, एक खूंटे से बंधी है, जो मिल जाए वो खा ले और उनके जीवन पर जिंदा रहे। गाय जो अपने अमृत से उनके परिवार का पोषण करे, गाय जो अपने अमृत से उनके परिवार का पोषण करे, गाय जो उनके परिवार को दे सके एक महंगाई उन्हें अपने परिवार के लिए उन्होंने गाय से और
अगली कविता का शीर्षक है स्त्री मुस्कुराती। एक स्त्री गायों का गोबर साफ करते हुए सुनती है चिड़ियों की चहचहाहट और मुस्कुराती है। एक स्त्री गायों का गोबर साफ करते हुए सुनती है चिड़ियों की चहचहाहट और मुस्कुरा देती है। एक स्त्री खदानों में काम करते हुए साड़ी के पनीर से पसीना पोंछती है और मुस्कुराती है। एक स्त्री रास्ते की लाइन में खड़े हो धूप से परेशान हो अपने पल्लू से पसीना पल्लू से सिर को ढकती है और मुस्कुराती है। एक स्त्री भागते हुए पकड़ लेती है बस का पाई। एक स्त्री भागते हुए पकड़ लेती है बस का पाई और अपनी सफलता पर मुस्कुराती है। एक स्त्री ऑफिस में काम करते हुए कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां फिराती है थम कर उंगलियां चटकाती है घड़ी में 6 बजते देखती है अपना सामान समेटते हुए मुस्कुराती है। एक स्त्री प्रसव वेदना सहकर सृष्टि को जन्म देती है किलकारियां सुनकर अपनी पीड़ा भूलकर मुस्कुराती है। एक स्त्री बस मुस्कुरा देती है और मुश्किल हो जाती है। एक स्त्री बस मुस्कुरा देती है और आसान हो जाती है हर मुश्किल आसान हो जाती है। वाह वाह।